अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोकम की कड़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए 10 से 15 कोकम है। इसको मैंने 15-20 मिनट पहले भिगा के रखी हूँ। ये 1 चम्मच नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 हरी मिर्चें, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 प्याली नारियल का दूध, आधा प्याली चावल का आटा और 1 छोटा चम्मच जीरा। एक कोकम को हम लोग अच्छे से मसल के लेंगे। एक कोकम की कड़ी की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, इसके लिए मैं बना जा रही हूँ और मैं थोड़ी बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो कोकम ज़्यादा भिगा कर लो। इसको मसल के हम छन्नी से छान के इसका पानी लेंगे। ये देखिए, मैंने कोकम मसल के इसका पानी ली हूँ। अब मैं ये मिर्ची, लहसुन और धनिया, जीरा मिक्सी में पीस के इसमें डालूंगी। एक सिंपल सी रेसिपी है लेकिन टेस्टी बनती है। ये देखिए, मैंने ये मिक्सर में अच्छा बारीक पीसी हुई पानी डाल के अब हम इसमें कोकम के इसमें ये मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और ये नमक भी डालेंगे। और ये जो चावल का आटा है इसमें पानी डालकर थोड़ा सा हम लोग मिक्स करेंगे। अभी जो ये चावल का आटा मैंने पेस्ट बनाई थी, ये कोकम के पानी में हम लोग ऐड करेंगे। और थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने अभी इसको गैस पे रखा है। इसको 5 मिनट तक हम लोग पकाएंगे और इसको हिलाते रहेंगे ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। ये जब पक जाएगी तो लास्ट में हम लोग नारियल का दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, अभी ये कोकम की कड़ी पक के गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए तो थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें नारियल का दूध डालूंगी। नारियल का दूध डालने के बाद हल्का सा जोश आ जाएगा तो गैस हम बंद करेंगे। नारियल का दूध डाल के ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, नहीं तो नारियल का दूध फट जाता है। देखिए, अब ये कड़ी को जोश आ चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और सर्व करेंगे। हमारी अब कोकम की कड़ी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।